एंड वो पानी उसके बॉडी में गया ना, तो उसके वजह से वो पानी पी के है ना, वो फ्लोट कर रहा है पानी में। कितने क्यूटली दिख रहे हैं लोग। हम जो जगह है ना उसमें। गुड मॉर्निंग, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का। बाहर ये खोलते ही ना पूरा ठंडा हो जाता है। एंड ये जो रिवर है उसके एंड में देखो सन के रेज, दिस आर लुकिंग ग्रेट। और वी विल गो फॉर नेचर्स वॉक राइट नाउ। वी जस्ट गॉट रेडी। सनरेज कितने बढ़िया लग रहे हैं जो बुशेस एंड ट्रीज के बीच से आ रही है ना। तो रिया लीचेस डिस्कवर कर रही है। मेरे शूज़ पे दो, उसके शूज़ पे एक मिला था। हो गया, कुछ गीला नहीं है ना? सॉक्स में कुछ गीला गीला लग रहा है। नहीं, वो तुम्हारा माइंड में है, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। सन बहुत ही ब्राइट है एंड कूल है यहाँ पे। अब रिया को देखो भाग रही है लीचेस के डर से, बिकॉज वहाँ पे जो वेट सरफेसेस है ना वहीं पे सबसे ज़्यादा लीचेस पकड़े थे हम लोगों को। अपना नेचर स्ट्रेल लेने के बाद ये देखो बर्ड्स भी चिप कर रहे हैं। तो नेचर स्ट्रेल लेने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे चाय लेके बैठे। अच्छा लग रहा है बट बहुत डर लग रहा था आज मेरा नेचर ट्रेल में। वो लीचेस के चक्कर में ना सीरियसली, हाँ एक्चुअली वो भैया भी निकाल रहे थे, जूते में अपने बहुत सारे लीचेस थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग मॉर्निंग में बहुत मस्त थोड़ा सा ट्रेल वॉक किए थे, लीचेस वगैरह था, फिर नाश्ता किए। तो ये जो आपका काली रिवर है ना, इसके अंदर यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती है। दोज एक्टिविटीज़ आर लाइक बोटिंग होता है, कायाकिंग होता है, देन राफ्टिंग डिपेंड्स ऑन द वाटर लेवल। मैंने आपको बताया ही था। तो राफ्टिंग शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ पे डैम की पानी छूटेगी नहीं, बिकॉज उतना डैम ओवरफ्लो नहीं कर रहा है। तो फॉर देट रीज़न हम लोग एक बार शायद जॉर्बिंग ट्राई करेंगे बिकॉज हमने कभी किया नहीं है। रिया, तुमने किया क्या जॉर्बिंग पहले? नहीं, कभी नहीं किया है। तो लेट्स सी, अगर जॉर्बिंग कर पाते हैं तो दैट विल बी गुड। इनके जंगल के बीच में जो उन्होंने किया हुआ है ना, बहुत मस्त लग रहा है। हम लोग यहीं से जा सकते हैं शायद। नहीं, अच्छा हम लोग पहले एक्चुअली क्या है ना, पूछना पड़ेगा ना। हाँ, रूम का जो चाबी है हम लोग दे देंगे फॉर क्लीनिंग। तो ये अपना रिसेप्शन एंड ब्रेकफास्ट एरिया था, लंच भी यहीं पे होता है। और अपना जो लैपटॉप बैग है ना हम कार पे छोड़ देंगे विद ऑल द कैशेस फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड। तो ये जो पूरा रिवर के साइड का प्रॉपर्टी है ना, तो उन्होंने क्या किया है, आगे का जो पार्ट है ना यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा है ना सीमेंटिंग करके ये टाइल्स डाला हुआ है। तो ये पार्ट से ये लोग थोड़ा सा ना कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, ये राइट साइड में जो ट्री है ना इसके ऊपर ये ट्री हाउस है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूँगा। तो ऐसे इनके दो ट्री हाउसेज़ है, एक इधर है और एक वहाँ पे कहीं वाटरफॉल के पास है। तो यहाँ पे कायाकिंग और ये सब का कायक्स तो मुझे अभी से दिख गए। हेलमेट्स दिख रहे हैं मे बी फॉर राफ्टिंग, क्योंकि यहाँ से इनका इंटरनली होता है। तो इफ़ यू सी देर आर सम राफ्ट, यहाँ से भी बोट राइडिंग कराते हैं। हाँ, जॉर्बिंग का भी मुझे गोला दिख गया, टॉरस शेप जो क्या भी बोलते हैं इसको, पता नहीं मुझे। तो ये अभी स्वयं जा रहा है कायाकिंग में, बैठ गया है और ये चप्पू चलाएंगे अभी। ठीक है ना, इतना बाय बाय, हिलो मत ज्यादा, बाय। Middle of Kali River, but now it is looking green, not black. Since it is the monsoon, so the water has turned to green. And if you come during the winters when there is no rain, पानी transparent हो जाएगा, and you will see the water as black because नीचे पत्थर काले हैं। वो डियर ऐसे पत्थर के ऊपर कैसे पड़ा हुआ है, मैं वही सोच रहा हूँ। टाइगर आके खाते नहीं, या फिर वो पानी पी के ना उसका बॉडी फूल गया है, then it would have floated ना, और एक पत्थर में स्टक हो गया होगा। ब्लैक पैंथर ने काटा होगा ना, मेरे को भी वही लगा होगा। वो पानी में गिर गया होगा और फ्लोट हुआ। हाँ, अब वो डियर देख सकते हो, उसका स्किन मे बी किसी वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया। तो 1.5 months बैक ब्लैक पैंथर वाज स्पॉटेड हियर इन दिस रिसोर्ट। तो हाँ, उसमें मार्क्स भी है एंड वो पानी उसके बॉडी में गया ना, तो उसके वजह से वो पानी पी के ना वो फ्लोट कर रहा है पानी में। देयर इज नो हेड, यस देयर इज नो हेड। पक्का गली है वो? हाँ नहीं तो फिर डेंजर है, दूसरा चलो तो चेकआउट। ये नहीं है ना, रॉक्स नहीं है ना, कूदना नहीं है। कूदू कि तो हम लोग भी कूद जाएंगे। ठंडा है leg straight push slow हाँ करो मैं गिर रही हूँ। पीछे कर दो, चलिए आ जा तू आहिस्ता। चलो we have found the balance। ओके चलो ये बेटा। हाय सर, आपका नाम? मयूरेश। आपका सर? स्वयं। आदिश। रिया। Stop get down forward चलो forward आ गए लंच के लिए। तो फिलहाल तो चपाती, मेथी मटर, चिकन कोल्हापुरी लिया है, चॉकलेट पापड़, वाह। हे वेलकम बैक। ये मैंने कांच साफ कर रहा हूँ। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फंसोली एलिफेंट कैंप जो गूगल मैप में है एंड दैट इज़ फॉर द जंगल सफारी एंड टुडे इज़ संडे आफ्टरनून। लेट्स सी मिलता है कि नहीं, कि रश के वजह से हम लोग स्टक होते हैं, जाके आपको पता चलेगा। चलो हम दोनों ने आज सफारी कलर पहना है, ग्रीन पहना है। तो बताते हैं आपको रोड पे। ये तो आपने देखा ही था। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। ये वाले रोड में है ना, ड्राइव करके तो मजा आ रहा है। पैचेस में थोड़ा ब्रोकन है बट ठीक है, दैट इज ओके। बट यहाँ पे जो आगे से जो लाइट आ रही है ना, आप देख पा रहे हो ना, ये वजह इसके वजह से ना थोड़ा विजिबिलिटी लूज आउट हो रहा है एंड ऑपोजिट से गाड़ियां भी आ रही है। हॉर्न बजा के चल रहे हैं अपन। बोट राइड ना मॉर्निंग में, तो एक फ्लोटिंग डियर देखा था। तो वो डियर का है ना 2 ही लेग्स था, 2 लेग किसी ने खा लिया और उसका हेड गायब था, हेडलेस डियर। तो ये लोग बोल रहे थे कोई जंगली जानवर ने अटैक किया, बट जंगली जानवर ने अटैक किया तो उसका बॉडी क्यों छोड़ दिया। सेकंड मैंने बोला कि नहीं भैया, चलो किसी ने इंसान ने मारा होगा। तो अच्छा लेफ्ट लेना है। मैंने बोला कि भैया कोई इंसान ने मारा होगा क्योंकि सींग ले गया। तो बोलते कि नहीं, इंसान मारता है तो उसका बॉडी भी लेता है क्योंकि वो डियर का मीट खाते हैं। तो पता नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेंज था बट क्या करेंगे, ये सब तो जंगल में होता ही है। नाउ वी हैव टू गो स्ट्रेट। एक रास्ता इधर जा रहा है। This is my house. It's my house. तो अब देखो रोड कैसा चेंज हो गया। आगे सीमेंटेड इस टाइप के रोड हो गए और शेरू का फोटो था उधर और लिखा रहा था दिस इज माई हाउस। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना होगा क्योंकि गाड़ी के सामने एक बंदर आ गया था पीछे अभी। हाँ, एकदम छोटू सा बंदर का बच्चा था वो। देखो शेर घास खा रहा है उधर और ये हम एंटर हो रहे हैं सेव वाइल्ड लाइफ। अच्छा वो तो पानी पी रहा है। कुछ है इधर? कुछ नहीं है। हम लोग सीधा चलेंगे, हमने देखा कि कुछ है कि नहीं। 7 kilometers more on this road। इस चेक ऑयल लेवल, 2nd time आया ऑयल लेवल का साइन। अब मुंबई पहुंच के करवाना ही पड़ेगा ऑयल लेवल चेक। वैसे तो ऑयल है गाड़ी में, कल ना थोड़ा सा गाड़ी वाइब्रेट हुआ ना, तभी ये ऑयल लेवल का साइन आ रहा है। सेटल डाउन होने से देखते हैं। गाड़ी बंद तो नहीं पड़ेगी ना? बननी पड़ेगी। बिना ऑयल का चलाते हैं तो गाड़ी के इंजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऑयल लुब्रिकेट करती है ना, तो वो लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा ना अगर ऑयल नहीं है। वैसे ऑयल लेवल मिनिमम से ऊपर है, वो मैंने एक बार चेक कर लिया था। मैप में है ना इधर अंशी टाइगर रिजर्व बुकिंग ऑफिस दिख रहा है। अपन देखते हैं, ये जंगल सफारी का बोर्ड है, तो यही रुकना है शायद। नहीं, पार्किंग वहाँ पे है ना। हाँ, पार्किंग वहाँ पे देखो, वो देखो, ये शिवाजी है क्या? हाँ, पंसोली वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स। देखो ना लोग तो कितने खुश। काका ये सफारी के लिए? हाँ, तो गाड़ी कहाँ लगाना है? इधर लगाना है। और बुकिंग इधर ही ठीक है, ठीक है, चलेगा, थैंक यू। तो हमने गाड़ी पार्क कर दिया, तो शायद यही सब जीप्स है जो जाती है। आई थिंक दिस आर बोलेरो कैंपर्स। एंड हाँ, वहाँ पे देखो एक आप दूसरा आ गया है। तो ये जो मैं पढ़ पा रहा हूँ ना, कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट ये पता चला बुकिंग काउंटर है, बुकिंग है। तो हम लोग चढ़ गए। भैया आपका नाम? गणेश। तो हम लोगों को गणेश भैया घुमाएंगे आज काली टाइगर रिजर्व। के टी आर दिख रहा था, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ दूर से, ये है अपना फ्रंट, हम लोग ऊपर ही बैठ गए। पर हेड 600 का टिकट है, मिनिमम 5% का है। तो हम लोग बहुत देर से रुक रहे थे, तो मैंने उनको पूछा पूरा गाड़ी मिलेगा, क्योंकि बार बार कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। तो सर ने डिस्काउंट में 3% का टिकट काटा। वी पेड फॉर दैट। तो 1200 के बदले वी पेड 1800 एंड वी टेकन द एंटायर जीप। एक आध पैंथर दिख रहा है, एक आध पैंथर। और आगे तो इधर अपने साथ बोलते आपका जगह खाली है, पैंथर हूँ मैं, बैठ जाऊँगा। नॉर्मल रोड्स ख़त्म हो गए, तो आप ये देख सकते हो। वी आर आउट ऑफ द टर्मैक नाउ एंड गोइंग इनसाइड द जंगल। आगे देखो वो जंगल में जो ट्रीज़ दिख रहे हैं ना, पूरा बहुत बढ़िया लग रहा है। फोटो लेने के लिए एक जगह है सर। कैसा फील हो रहा है आपका? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा। जंगल सफारी रिया का फर्स्ट है, उन्हें जीप काजीरंगा में एलिफेंट के ऊपर चढ़ के किया था। हाँ। तो करीब हम लोग 4 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। ओवरऑल बोले थे कि 20 किलोमीटर जाने का, 20 किलोमीटर आने का। तो यहाँ पे आप देखो टाइगर एक तरफ, पैंथर, भालू, और ऊपर हॉर्नबिल्स है। सो वी आर एंटरिंग काली टाइगर रिजर्व। अभी हम लोग काली टाइगर रिजर्व के इसके अंदर गए ना, तो उसके पीछे का बफर जोन था। ये 70% कोर जोन है और एक है 100% कोर जोन। तो 100% कोर जोन में अलाउड नहीं है, वी कैन जस्ट वॉक थ्रू एंड कम आउट फॉर 10 मिनट्स। एंड ये जो 70% कोर जोन है ना, उसके अंदर अभी हम लोग जस्ट एंटर किए हैं। ये देखो लंगूर। हाँ, मतलब वो नहीं, मैं भी वही पीछे वाला ही बोल रहा था। उधर आपको दिख रहा है लंगूर? जूम कर दूंगा मैं थोड़ा सा। आप इसको सोच रहे थे क्या मार खाएगा सर लंगूर? और भैया भी धीरे धीरे चल रहे हैं एकदम। हम ना जंगल के अच्छे खासे अंदर घुस गए। ये आप देखो कैसा रोड है यहाँ पे। आपने गाड़ी पूरी फिसल रही है। निकलती गिर जाती। तो यहाँ ऑफ रोडिंग करके आते आते हैं ना, आगे हम लोगों को एक वाटर बॉडी मिला है। देखते हैं वहाँ पे कोई शेर, चीता, गिलहरी, हिरन पानी पीने आते हैं कि नहीं। भैया कोई पानी वानी पीने नहीं आया है? टॉर्टोइस दिखा है। टॉर्टोइस तो वहाँ पे वो ब्रांच के ऊपर दिख रहा है। टॉर्टोइस है उधर, दो नहीं है ना, 3 है उधर। भाई रोड पूरा स्ट्रेट अप है एंड बहुत डिफिकल्ट हो रहा है गाड़ी को चढ़ने में। प्योर ऑफ रोडर चाहिए इसके लिए। तो ये देखो ये आप देख पा रही हो पीछे वाली गाड़ी, ये यहाँ से हम लोग निकले एंड दैट कार इज ऑल्सो कमिंग इन दिस डायरेक्शन। अपना फर्स्ट हो गया स्पॉट पिकॉक। एक पिकॉक है और ये दूसरी गाड़ी है, वो शायद उधर से कहीं से जा रही है। अच्छा मजा आ रहा है। एंड टिल नाउ वी हैव स्पॉटेड सिर्फ बफेलो, मंकीज, पिकॉक, टॉर्टोइस, इतना ही दिखा। अभी हम लोग चलेंगे आगे। ये आगे जैसा मैं आपको बता रहा था, 70% कोर जंगल से दैट इज़ 100% कोर जंगल। व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। तो थोड़ा सा राउंड मार के आएंगे, 10 मिनट का कुछ अगर दिखता है। तो जंगल के अंदर है ना, ये स्टेयर्स ऊपर लेके जा रही है टुवर्ड्स ए व्यू पॉइंट। जंगल इज फ्लोइंग टिल केरला एंड आप समझ ही सकते हो कितना थक गए। हाँ, भागवत सनसेट पॉइंट एकदम सनसेट के टाइम पे है, नहीं थोड़ा सा पहले आ गए। हो सकता है ना बैक वाटर में जाके सनसेट देखते हैं। वाओ कितना दूर तक दिख रहा है। एंड आप देख रहे हो जैसा मैं बोल रहा था ये केरला तक जाता है, तो पैचेस 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 लेवल्स लेवल्स में माउंटेन्स दिख रहे हैं। एंड आई एम श्योर उसके बियॉन्ड भी होंगे विच आर नॉट विजिबल फ्रॉम हियर। तो अभी हम लोग है ना और एक नैरो स्ट्रीम के अंदर जा रहे हैं। मेन पाथवे से तो बहुत अलग निकल के आ चुके हैं हम, है ना जंगल के बहुत अंदर घुस गए हैं। तो इधर आप देख ही पा रहे हो कितना डीप है। एक अलग सन्नाटा है ना रिया, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस है। कोई इधर से ज़्यादा घूमता है, गाँव में जाता आता है ये रास्ते से ज़्यादा। टाइगर ना, भैंस वगैरह, भैंस का गोबर सब पड़ा है देखो बीच में। हाँ इधर मार के इधर खाता हुआ उस तरफ नहीं आता है कि एक बार इधर का टाइगर इधर ही आता है ज़्यादा। अच्छा हम जो घूमते तो टोटली 22 टाइगर से उसमें से 3 टाइगर का एरिया हमारे सफारी का जो एरिया है। अच्छा और 24 लेपर्ड्स है, 28 ब्लैक लेपर्ड्स है। वाओ और एक भी हम देख लिए थे वो तभी वो उन लोगों ने हमको देख लिया होगा। नहीं वो रहेगा तो शायद अलार्म कॉल आएगा ना। अच्छा लंगूर का, डियर का, स्क्विरल का, पिकॉक का ऐसा अलार्म कॉल आता है, डेंजरस कॉल। ओके वो आया तो 100% टाइगर कौन सा ना, टाइगर, वाइल्ड डॉग, लेपर्ड, ब्लैक लेपर्ड कौन सा ही मिल सकता है। अभी बिल्कुल शांत है। हाँ आज पूरा मतलब शांत लगा, मतलब पिकअप वगैरह भी जो देखे ना एकदम शांति है। हाँ। नहीं नहीं डियर है, सांबर सांबर डियर। हाँ स्पॉटेड डियर अलग या अलग। जा सकते हैं क्या उधर? नहीं ना भाग चले जाएगा, भाग जाएगा वो। ऐसे उठ के देख, दो है ना, 2-3 है। अच्छा एक उधर है अंदर तरफ है ना। भैया आपका है ना आंख मानना पड़ेगा, चील का नजर है। जहाँ पे पिकअप जंगल के अंदर भी था ना, आपको दिख गया। आप ही को दिख सकता है वो तो, मतलब मुझे तो दिखेगा ही नहीं। एक्चुअली कलर में देखो ये सब एक ही टाइप दिखता है, एक ही टाइप दिखता है। हाँ हाँ ये एक और ये अपना 3rd पिकॉक हो गया। देख रहे हो 12 सिंगा। ओह वाओ तो क्यूटली दिख रहे हैं लोग। हम जो जगह है ना उसमें हम सॉल्ट डालते हैं, वो खाने के लिए आ गए हैं। जंगल सफारी करके वापस लौट चुके हैं। और हमने आज क्या क्या स्पॉट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम मंकी। आपको क्रेजी लग सकता है हाँ, बट स्पॉट तो किया है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम मंकी, देन टॉर्टोइस, देन पिकॉक, उसके बाद हम लोग और अंदर तक गए। देन वी एंड रीच द व्यू पॉइंट। यहाँ से है ना एंटायर 1400 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल है ना दूर तक दिखता है। तो फिर व्यू पॉइंट से व्हेन वी आर कमिंग बैक ना, तो ऑन द वे वो भैया ने ना थोड़ा सा डाइवर्शन लिया। देन वी कुड स्पॉट सम सांबर डियर्स विच आर फीमेल। एंड उसके बाद आगे जाके ना एक 2 सांबर मेल मिले। एंड देन उसके बाद है ना मैंने एक फर्स्ट टाइम एक लाइफ में साइट देखा। देयर वर 2 पिकॉक्स, दे फ्लू वन आफ्टर अनदर। उड़ता हुआ पिकॉक मैंने कभी नहीं देखा। आई कुड नॉट कैप्चर दैट इन द कैमरा, बट यस वी हैव नोटिस्ड एंड एक्सपीरियंस दैट। अच्छा लगा। इन सब के बीच में सबसे अच्छा क्या लगा है जंगल का जो वो एक जो कामनेस है ना, मतलब वो वाइब अलग ही था जो हम लोग ने जंगल में फील किया ना स्वयं। हाँ और टोटल है ना 2.25 घंटे हमने स्पेंड किए जंगल में। एंड इट वाज रियली ग्रेट। और हमने ना काली टाइगर रिजर्व के साथ एक फोटोज भी खींचा। हाँ। और हमने बहुत सारे फोटोज खींचे अंदर। और इतने घंटे का एक्चुअली राइड था भी नहीं, वो भैया पता नहीं अपने ही एफर्ट से हम लोगों को घुमाए। एक्चुअली पर पर्सन 600 रुपीज है एंड 5 पीपल मिनिमम है। तो वैसे देखा जाए तो 3000 मिनिमम एक गाड़ी का होता है। तो हमने बोला कि एक्चुअली 5 के ग्रुप के साथ हमको ऐड कर रहे थे। फिर हमने लास्ट में बोला भैया ऐसा हो सकता है कि हम पूरा ले लें। फिर वो बोले कि आप बहुत देर रुके थे, एक काम करते हैं आपने सवर किया तो इसीलिए मैं 3% का कार्ड देता हूँ ऑन ए स्पेशल कंडीशन। तो हम लोग 1800 का टिकट लिए और उसमें हम लोगों का पूरा कैब हो गया। ये तो मुझे काल शूटिंग का प्लेस लग रहा है। काल मूवी याद है दोस्तों, अजय देवगन वाला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिसोर्ट के तरफ। घना जंगल के अंदर से अंधेरे में चल रहे हैं और स्लाविया का लाइट का थ्रो देखो आप, क्या जबरदस्त और बढ़िया लग रहा है रात को। व्हाट ए रिफ्लेक्शन, व्हाट ए ब्यूटी ना। मान गए कर्नाटका के रास्तों को, रात में चला के और मजा आ रहा है। और बताओ ये कौन सा हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ऐसा भी नहीं कि हम लोग स्टेट हाईवे है, नेशनल एसएच है, एनएच भी नहीं है। तो ये रिसोर्ट रोड कहाँ है भाई? हॉर्नबिल रात को ये है ना, दिख भी नहीं रहा है। दिख रहा है देखो भैया, रात को भी हम लोग आ गए अपने ऑफरोडिंग ट्रैक पे। ये हमारा पेटेंटेड ऑफरोडिंग ट्रैक है, डेली करना पड़ता है। अरे गूगल, हमारा रूम आया नहीं है, यू अराइव्ड बोलने से थोड़ी होगा।